Students, in this video we will do some map work, and this map work will be relevant with the chapter number 3 जो अभी हमने complete किया है human development. ठीक है, all the concept which is relevant to map और map की जो places हैं उनके साथ वो relevant हैं. जैसे हमने human development index किया, literacy rate है जो below poverty line इंडेक्स दिया है, बिलो पॉवर्टी इंडेक्स वी कैन से. तो ऑल द प्लेसेस हम इस मैप में उनको पहले पढ़ेंगे. बिफोर स्टार्टिंग आर मेन टॉपिक, फर्स्टली वी विल रिवाइज ऑल द नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर कैपिटल, वो हमें पता होने चाहिए. तो चलिए हम पहले उनको डिस्कस करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कौन कौन सी हैं इंडिया में और उनका जो कैपिटल कौन कौन सा है. चलिए, फर्स्ट वन टॉप इज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, एंड द कैपिटल इज श्रीनगर. ठीक है, जे एंड के कैपिटल इज श्रीनगर. तो साथ साथ में लिखते जाऊंगा, प्लीज़ उसको जल्दी से नोट डाउन कर लेना. नेक्स्ट वन इज इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश कैपिटल इज शिमला. एंड हिमाचल के साथ ही बॉर्डर लगता है पंजाब का, तो पंजाब, पंजाब की कैपिटल इज चंडीगढ़ ऑन दिस पार्ट. ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ CHD चंडीगढ़. ठीक है, नेक्स्ट वन पंजाब के साथ जो बॉर्डर लगता है बच्चे वो लगता है हरियाणा, तो ये स्टेट है हरियाणा. हरियाणा का भी कैपिटल क्या है, सेम चंडीगढ़. ठीक है, और चंडीगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब दोनों की कॉमन कैपिटल है. चलिए नेक्स्ट वन, एंड उसके बाद राजस्थान, राजस्थान का बॉर्डर पंजाब के साथ अटैच करता है गुजरात के, उसका कैपिटल जो है राजस्थान की वो है जयपुर. इसको लिख लीजिए आप, मैं इधर लिख देता हूँ जयपुर. ठीक है, नेक्स्ट वन जयपुर के साथ ही बॉर्डर लगता है गुजरात, गुजरात की कैपिटल है बच्चे गांधीनगर. ये है स्टेट गुजरात, इसकी कैपिटल है गांधी नगर. ठीक है, तो ये स्टेट को आप नोट डाउन कर लीजिए. ओके, नेक्स्ट आगे की जो स्टेट्स हैं, तो बच्चे आप हरियाणा और उत्तराखंड का, सॉरी हिमाचल का जो बॉर्डर है वो लगता है उत्तराखंड के साथ. ठीक है, एंड उत्तराखंड को उत्तरांचल भी बोला जाता है. ठीक है, इसकी कैपिटल का नाम, बच्चे दो कैपिटल बन गई हैं अभी रिसेंटली, पहले इसका कैपिटल का नाम है देहरादून. देहरादून बच्चे इसकी विंटर कैपिटल है, देहरादून जो दिया है वो इसकी विंटर कैपिटल है, इसको मार्क कर लेना. एंड सेकंड वन जो सेकंड कैपिटल है उसका नाम है गैरसेन, अभी बनी है बच्चे, एंड ये करंट न्यूज़ भी है गैरसेन, और ये इसकी समर कैपिटल है. तो समर विंटर दोनों कैपिटल अलग अलग है. ठीक है, आगे यूपी, तो ये बच्चे यूपी है, और यूपी का जो बेसिकली कैपिटल वो कौन सी है, लखनऊ. कानपुर इसका मेन सिटी है लेकिन कैपिटल लखनऊ है. उसके बाद बच्चे ये हरियाणा और यूपी के बीच में ये पार्ट आ गया, इसको बोलते हैं न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया, बेसिकली यूटी है. ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं, इसके यूपी के साथ ही बच्चे जो स्टेट पड़ती है वो है बिहार, और बिहार के नीचे बिहार की कैपिटल है पटना, इसको दिमाग में रखना. ओके, नेक्स्ट वन बिहार के साथ ही बच्चे नीचे जो अटैच करता है वो है झारखंड. पहले झारखंड और बिहार एक ही थे लेकिन इसके बाद ये दो स्टेट्स में इसको स्प्लिट कर दिया गया, तो झारखंड वाज अ पार्ट ऑफ बिहार स्टेट. तो झारखंड, झारखंड की बच्चे कैपिटल जो है वो है रांची, रांची. ठीक है, नेक्स्ट वन, उसके बाद आपको बिहार और झारखंड इसके साथ जो अटैच करता है, एक साइड यहाँ बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ अटैच करता है, तो वहाँ से बंगला याद रखना, और बांग्लादेश का वेस्टर्न पार्ट इसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, इसको मार्क कर लो. ठीक है, अभी थोड़ा नीचे आते हैं, बिल्कुल इंडिया के सेंटर में जो बच्चे स्टेट है दैट इज कॉल्ड द मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की बच्चे कैपिटल है इंदौर, इंदौर इंडिया का सबसे क्लीनिंग सिटी है, इसको मार्क कर ले. नेक्स्ट वन, इसके बाद बच्चे एमपी के नीचे जो स्टेट है उसका नाम है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल बच्चे मुंबई, मुंबई, मुंबई सिटी इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. ओके, नेक्स्ट वन, तो बच्चे एक चिल्ली टाइप, एक मिर्च टाइप इलोंगेटेड फॉर्म में जो स्टेट आपको दी हुई है, इस स्टेट का नाम है छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़, इसका जो कैपिटल है वो है न्यू रायपुर, नॉट रायपुर, इज ए न्यू रायपुर, इसको लिख लें। चलिए नेक्स्ट, आई होप यू हैव नॉट नोट। एंड नेक्स्ट वन बच्ची, छत्तीसगढ़ और झारखंड और एक साइड वेस्ट बंगाल के साथ अटैच जो पड़ती है उसका नाम है उड़ीसा। क्या है उड़ीसा? उड़ीसा की कैपिटल बच्चे है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन, उसके साथ ही जो नीचे बच्चे स्टेट दी हुई है, जिस स्टेट अभी दो हिस्सों में स्प्लिट हो गई है, ठीक है, इसका नदन पार्ट को बोलते हैं तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना बोलते हैं। तेलंगाना की कैपिटल बच्चे जो है हैदराबाद। ठीक है, इसके बाद जो इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है बच्चे अमरावती, अमरावती, इसको दिमाग में रख लेना। चलिए नेक्स्ट वन, महाराष्ट्र के नीचे जो छोटी स्टेट है इसका नाम है गोवा। ये इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है बाय एरिया। ठीक है, गोवा की कैपिटल है पाणाजी। ठीक है, उसके बाद आगे कैपिटल है बच्चे जो स्टेट आपका वो है कर्नाटका, KRT, कर्नाटका। कर्नाटक की कैपिटल है बच्चे बेंगलुरु। कौन सी है? बेंगलुरु, यहीं पड़ती है बेंगलुरु। बेंगलुरु को स्पेस सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ठीक है, IT सिटी, अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट वन, आगे बच्चे नीचे जो बिल्कुल टिप के ऊपर जो चिली टाइप कंट्री है, सॉरी स्टेट है, दैट्स कॉल्ड केरला। बच्चे केरला की कैपिटल है कोच्ची। ठीक है, कोच्ची इसका कैपिटल है। एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, दिमाग में रखना। चलिए नेक्स्ट वन, एंड उसके बाद बच्चे कैपिटल तमिलनाडु, तमिलनाडु जो है तमिलनाडु का बच्चे कैपिटल है चेन्नई। चेन्नई का पूरा नाम था मद्रास, पुराना नाम, नॉट पूरा नाम, इससे पुराना नाम था मद्रास। ठीक है, एंड चेन्नई, तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई, स्टेट का नाम तमिलनाडु। ठीक है, अभी मोस्ट ऑफ बच्चों को बच्चे साउथ जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, लेट्स हैव अ डिस्कस। ओके बच्चे, नेपाल और भूटान, जो भूटान कंट्री है, जो नेपाल है, इनके बीच में जो स्टेट ये पड़ती है इसका नाम है सिक्किम। बच्चे सिक्किम की कैपिटल जो है उसका नाम है गैंगटॉक, गैंगटॉक। ओके नेक्स्ट वन, आगे बच्चे जो नॉर्थ ईस्ट में मिडल में ये कंट्री पड़ता है, मिडल में याद रखना, मिडल, ये बिल्कुल सेंटर में, इसका है स्टेट का नाम असम। असम की जो कैपिटल है बच्चे उसका नाम है दिसपुर, दिसपुर। ठीक है नेक्स्ट वन, अभी ऊपर से हम चलते हैं बाउंड्री में। पहली बाउंड्री पे जो बिल्कुल टॉप चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, इस स्टेट का नाम है बच्चे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसको बच्चे लैंड ऑफ राइजिंग सन इन इंडिया बोलते हैं, राइजिंग सन इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले जो दिन अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, तो ये साइड सबसे पहले सन के सामने आती है और रेस इस साइड से सबसे पहले फॉल करती है, इसलिए दिन जहाँ से स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन इन इंडिया। वर्ल्ड का है जापान, राइजिंग सन ऑफ द वर्ल्ड इज जापान। ठीक है, दिमाग में रखना। चलिए नेक्स्ट वन, आगे बच्चे अरुणाचल के नीचे ही ये एरिया पड़ता है नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। एक चीज मैं और बता दूं, अरुणाचल की कैपिटल है बच्चे इटा नगर। ठीक है, दिमाग में रखना। ओके नेक्स्ट वन, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर की जो कैपिटल है बच्चे मणिपुर, इसको मणिपुर आएगा, इसकी कैपिटल है इम्फॉल, इम्फॉल। ठीक है, दिमाग में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एरिया है। ओके नेक्स्ट वन बच्चे, ये है जो एरिया मैंने आपको नेक्स्ट बताया है वो है मिजोरम। इसके साथ मणिपुर जे अरुणाचल प्रदेश, जे नागालैंड, जे मणिपुर, जे मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, और मिजोरम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। इसके बाद बच्चे ये है त्रिपुरा, त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो है अगरतला। ठीक है, और लास्ट रहेगा मेघालय। ठीक है,
मेघालय। ये बच्चे इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे बेस्टेस्ट प्लेस है। इसमें दो प्लेसेस पड़ती हैं, एक पड़ती है चेरापूंजी और दूसरी पड़ती है माउसेरम। ठीक है जी, दुनिया की बेटेस्ट प्लेस है। माउसेरम अभी फर्स्ट पे आ गया, चेरापुंजी सेकंड पे। पहले चेरापुंजी फर्स्ट पे था, नेक्स्ट वन प्लेस सेकंड पे थी। ओके अभी बच्चे जो ये मेघालय है इसकी कैपिटल का नाम है शिलोंग। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द स्टेट एंड देयर कैपिटल। थैंक यू सो मच।